हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि विदेश में पढ़ाई करने की शानदार ठिकाने कौन कौन से हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो। जैसे दोस्तों आपको बता दें, भारतीय छात्रों की संख्या यूरोप की यूनिवर्सिटीज में साल 2000 से साल 2009 के बीच 3348 से बढ़कर 51556 पर पहुँच गई है। अकेले ब्रिटेन में ही छात्रों की संख्या 3962 से बढ़कर 36105 पर पहुँच गई है। हालांकि अब ब्रिटेन में सख्त वीजा नियम और रोजगार के मौके घटाने और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए यूरोप के मेनलैंड की यूनिवर्सिटीज की पहल से अनेक भारतीय छात्र अब हायर एजुकेशन के लिए नए ठिकानों को आजमा रहे हैं। मसलन 17 वर्षीय जूडिस जॉर्ज ने इंग्लैंड में पारंपरिक तरीके से पढ़ाई के बदले पोलैंड में दूसरे विकल्प को आजमाने का फैसला किया। दिल्ली में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाली जूडिस कहती है कि मैं यूरोप में पढ़ना चाहती थी, लेकिन ऐसे देश में जो मुनासिब हो और कुछ अलग सा हो। मेरे स्कूल में एजुकेशन फेयर के दौरान मैंने पोलैंड के बारे में जाना। सुंदर कैंपस, दिलचस्प प्रोग्राम और भारी प्रतिद्वंदिता की कमी से मैंने फौरन आवेदन करने का फैसला कर लिया। बता दें आपको, पिछले कुछ वर्षों में फ्रांसीसी यूनिवर्सिटीज में भारत से करीब दुगनी संख्या में छात्र आवेदन किया, जबकि आयरलैंड के हायर एजुकेशन के लिए भारत के छात्रों की दिलचस्पी दिखाने की दर 120% बढ़ गई है। मुंबई के एजुकेशन कंसल्टेंट अजय सिंह कहते हैं कि लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे शहर अच्छी खासी संख्या में छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई भारतीय छात्र नए विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। उनमें ज्यादातर का मानना है कि मेनलैंड यूरोप, स्कॉटलैंड या आयरलैंड में आसानी से सस्ते में उसी स्तर और प्रोफेशनल एक्सपोजर वाली शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि आज यूरोप में कई विकल्प मौजूद है, चाहे नए कल्चर का अनुभव करना हो या फिर समृद्ध एकेडमिक विरासत का। यहाँ ढेरों मौके हैं और अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि दोस्तों बात करें पोलैंड की, तो बता दें आपको, यूरोप संघ के सबसे नए सदस्य में पोलैंड पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक पुल की तरह कार्य करता है। यहाँ करीब 100,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र विभिन्न डिग्रियों के लिए पहुँच रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में पोलैंड के एजुकेशन सिस्टम को तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले 10 साल में देश में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड में एजुकेशन सिस्टम करीब 650 साल पुराना है। मसलन कारकाव में जोगिलोनियन यूनिवर्सिटी की स्थापना 14वीं सदी में हुई, आज उसे यूरोप में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। इस तरह वार्सोवा यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1795 में तलाशी जा सकती है। आज यह यूनिवर्सिटी QA और यूनिवर्सिटी वेब रैंकिंग सिस्टम के मुताबिक दुनिया में टॉप 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से एक है। जैसा कि बता दें आपको, वार्सोवा यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत पटेल कहते हैं कि मैंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं भारत में ही पहुंच गया, क्योंकि वहां अपने देश के ढेरों छात्र थे जो यहां से हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आए हुए थे। हायर एजुकेशन के लिए मैं ऐसी जगह चाहता था जहां सही में यूरोपीय कल्चर और हिस्ट्री का अनुभव कर सके। पोलैंड इस मामले में अनोखा था। यहां के प्रोफेसर उदार और मददगार हैं। बात की जाए जर्मनी की, तो बता दे आपको, ब्रिटेन में PhD पूरी करने के बाद अविनाश पटेल के मन में कोई दुविधा नहीं थी कि उसे अपनी पोस्ट डॉक्टरल पढ़ाई कहाँ करनी है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके पटेल कहते हैं कि मैं जर्मनी में रिसर्च के प्रति रुझान और एकेडमिक मदद मुहैया कराने की फितरत दोनों के लिए ही तारीफ करता हूं। मैं भारत लौटने को तैयार नहीं था, जर्मनी ही मेरे लिए बेहतरीन विकल्प था। इंस्टीट्यूट में घर जैसा अनुभव होता है। आपको अपने साथियों से मिलने जुलने और दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हर किसी से मिला जा सकता है। सुविधाएं आला दर्ज की है। फिर ड्रेस्डन उस देश का सबसे सुदूर और ऐतिहासिक शहर है। वहां रहने का अपना ही फायदा है। जर्मनी में ऐसे कई सुविधाएं हैं जो अन्य किसी देश में उस तरह से नहीं मिल सकती है, जिस तरह उन्हें यहां हासिल किया जा सकता है। यही बात इसे छात्रों के बीच खास बनाने का कार्य करती है। जैसा कि आपको बता दें, जर्मनी यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मेडिसिन, साइंस, होम्योमैनिटीज या मैनेजमेंट में हर तरह के कोर्सेज मुहैया कराते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज में देसी विदेशी दोनों छात्रों से नाम मात्र की ट्यूशन फीस ली जाती है। जैसा कि दोस्तों, छात्र और रिसर्चर जर्मनी फीडिंग संस्थाओं से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये संस्थाएं हैंगजर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस और DFG जर्मनी रिसर्च फाउंडेशन वगैरह। बर्लिन ब्रैंडेनबर्ग स्कूल फॉर रीजनेटिव थेरेपी से डॉक्टर कर रही दीप्ति सोमेश कहती है कि यहाँ हायर स्टडीज और रिसर्च करने के लिए अनोखे मौके हैं।
इंस्टीट्यूट आवेदनों को पूरी गंभीरता से लेते हैं। अपनी दिलचस्पी का प्रोग्राम और रिसर्च चुनना और उनमें लंबे समय तक दिलचस्पी दिखाना बेहद ही जरूरी है। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी रोमांचक अपडेट से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।